Hi guys, welcome back to the channel. Hello. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. तो आज हो गया है बारिश का मौसम. बारिश हो रही है एंड इट्स 15 डिग्रीज. बहुत ही ठंड लग रही है भाई. बहुत कुल्फियां निकली हुई है. हीटेड सीट्स ऑन कर दी है. बहुत ठंड लग रही है दोस्तों. 15 डिग्री में इतनी ठंड लग रही है कोई हद नहीं है. कपड़े भी हमने वैसे पहने ना समर्स वाले. अरे बट लॉबी का जो हमारी बिल्डिंग का जो कॉरिडोर था वो भी ठंडा था पूरा. हाँ ठंडा था. और हमने सुबह तक एसी चलाया. तूने गाइस मैं काम पर था वहाँ पे. मैं इसको कह रहा था बंद कर दे इसको. कहे चला एसी चला. इसका कुछ अलग ही है. इसको बाहर ठंड लगती है घर में गर्मी लगती है. मुझे खुद ही पता कि मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही थी. दैट वाज वेरी स्ट्रेंज. एनीवे आज मैं जिम भी जा रही हूँ और मैं फास्ट भी कर रही हूँ. सो I have to be careful while working out. ज़्यादा मेरे को कैलोरीज वगैरह नहीं बर्न करनी. योगा वगैरह करूँगी. I'll take it easy. दोस्तों बारिश ने कुछ ज्यादा ही काम खराब किया हुआ है. Few moments late. दोस्तों आज कुकू का व्रत था तो हमारे सर ने हमें डांटा है. कहते जब व्रत है तो क्यों आए. और फिर कुकू ने बता दिया सर फिशी ने ना बहुत पार्टी की थी तो फिशी की तबीयत थोड़ी ढीली है. तो आज हमने जिम जूम नहीं किया. हम स्टीम सूम लेके आए हैं आराम से मस्त होके. बॉडी लाइट फील कर रही है. गाड़ी कहाँ की. अच्छा बोली. और बाय द वे आपको एक और बात बतानी है. हमारा जो JBL का स्पीकर था ना गाइस वो खराब हो गया. हम अभी बीच पे लेके गए थे. पता नहीं उसका ऑन ही नहीं हो रहा. थैंकफुली कॉस्को से लिया. अगर JBL से लिया होता ना एक साल की वारंटी का JBL कवर ना करता. कॉस्को से लिया तो कॉस्को पे वापस जाएंगे. कहेंगे कि भैया या तो नया स्पीकर दे दो या तो पैसे दे दो. दोस्तों वॉलमार्ट से चेरीज ली एंड बनानास. दोस्तों आज बिल्कुल तबीयत ठीक है. पेट बहुत दर्द हो रहा है. शुगर का वर्कआउट नहीं किया तुमने. मतलब बहुत आज तबीयत ना लो. बुखार टाइप भी फील हो रहा है मुझे. और ये जो मैं वॉलमार्ट से चेरीज लेकर आई हूं लाजवाब इतनी ज्यादा यम्मी है. क्यूट लग रही है ऐसे आके दिखा रही है. इतनी ज्यादा यम्मी. और पता है कल भी व्लॉग नहीं किया और मुझे टेंशन आया. मेरी आज भी हिम्मत नहीं है. आई एम हैविंग योगर्ट विद ब्लूबेरीज एंड बॉइल्ड पोटैटोस. दैट्स इट. नथिंग. नो नमक. नथिंग. दोस्तों मेरी इतनी तबीयत खराब है बट पता है क्या मेरी बीवी इतना ख्याल रख रही है ना मेरा. आई लव यू कुका. इतनी पार्टी नहीं अलाउड. धीरे तो मेरे को जबरदस्ती बाहर बैठा रही है कि तेरा मूड बेटर होएगा. मैं अपना लैपटॉप लेके ऊपर से आपको एक बात बताऊं. सुबह से ना मतलब एक क्लाइंट है जिसके पीछे हम पड़े हुए. कोशिश कर रहे हैं टू लॉक दैट क्लाइंट. तबीयत इतनी खराब है बट फिर भी मैं सच बता रहा हूँ. वो ना बार बार बैक एंड फोर्थ होता है ना कि आज अगर ये प्रपोजल साइन अप हो गया तो बढ़िया हो जाएगा. उनसे बैक टू बैक बातें चल रही हैं. तबीयत खराब है. बात हो नहीं रही मेरी उनसे. बट घर भी चलाना है दोस्तों. सो पेट के लिए करना पड़ता है. सो ये कुकू ने लाइटें ऑन कर दी हैं सारी ताकि मुझे बेटर फील होए. और बाहर हो रही है बारिश. गुगली को मैंने पानी भी दिया. मैंने इसको कहा कि मेरे पास आ जा बाहर क्योंकि मैंने अभी अंदर मैं अभी थोड़ा अंदर काम कर लूंगी और यहाँ पे इसको ब्राइट ब्राइट अच्छा लगेगा. क्यों इतनी फिर पार्टी करी. बहुत पार्टी करी है इसने. बहुत खुश भी बहुत है. बट ऐसे फीवर फिर गर्म गर्म लग रहा है फिशी तो मुझे. मेरे को कह रहा तभी लोग कमेंट करते तेरे चैनल पे कि थोड़ी छोटी वीडियो बनाओ. मैं क्या करूं. मैं बहक जाती हूँ इमोशंस में. कितने लोग मेरे को मैसेज करके कहते हैं व्लॉग ऐसे ही डाल दिया करो बिना एडिटिंग के. अब जब मैंने डाला तो कह रहे थोड़ी छोटी रखो. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. धक्का लग गया मुझे. धक्का जो लोग कहते हैं ना व्लॉग ऐसे ही बिना एडिटिंग के डाल दिया करो वो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं. जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं किसी का बच्चा टेढ़ा नाच रहा होता है हम कहते हैं वाह बड़ा टैलेंटेड है. नहीं यार मेरे को तो सच बड़ा हर्ट ही हो गया था. पूरे अपने इमोशन से बताया कि इस ड्रेस के बारे में मैं क्या फील कर रही हूँ. इस ड्रेस के बारे में क्या फील कर रही हूँ. Wear all these three tops and show you how it looks. Ooh, so let's wear these. Alrighty, so this is how the cutout top looks. So this is how it looks. Cute. अब आप कह रहे हो कि बहुत लग. फिर मैंने फियांचू से पूछा. मैंने कहा फियांचू तूने देखी मेरी वीडियो. कहता हाँ गुगू बट हाँ बहुत कुछ कटिंग हो सकती थी. अभी तो एक्सपर्ट नहीं. तुम्हें अभी यूट्यूब वीडियो बनानी आई नहीं है कहता.
नहीं मतलब थोड़ा सा क्रिस्प रखो क्या भाई, मतलब मैं ना बताऊं तो मैं व्हाट आई फील अबाउट माय क्लोथ्स। आप कुछ ज्यादा फील कर लेते हो बहुत सारी चीजों के बारे में। आई हैव लॉट्स टू से अबाउट। आपने तो देखा ही है पत्ता। गाइस सच में बता रही हूँ, मेरा तो कितना ज्ञान काट देता है फैंस। ये बहुत टाइम हो गया हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हुई आप लोगों से। क्या हिम्मत करने की नहीं है ना, कोई बात नहीं है। इस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हम लाइव पे करेंगे एक दिन। इस वीडियो को हार्ट दे दो ना, और ये मेरी तरफ से हार्ट है तो हार्ट टू हार्ट। चलो तेरे लिए फिर मैं कॉफी चाय क्या, मेरा मन तो थे कॉफी पीने का। रोबजा का दूध दे दे मुझे। इट्स गोना बी वेरी ओल्ड। रोबजा का दूध दे दे, बहुत टाइम हो गया रोबजा का दूध नहीं पिया। दूध ही नहीं है बट। अरे वो ओट्स वाले दूध में दे दे, बैक के मारूंगा। मैं सोच रही दूध जाके ले ही आऊं क्योंकि मेरा खीर बनाने का बड़ा दिल है आज। आज तो व्रत वाले टाइम ना, मेरे से नई नई चीजें ट्राई करने का दिल होता है। इसकी खीर से मैं इतना डरता हूं, कोई हद नहीं। वाई फियांश आज तू व्लॉग एडिट कर देगी या फिर आज भी ये व्लॉग से वंचित ही रहेगी? अभी तो व्लॉग में टाइम है, रात को जाना है अभी तो। रात को करेंगे फिर स्टार्ट, रात को स्टार्ट करके रात को ही डाल देंगे। कल भी व्लॉग नहीं है कुकू। कल को मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब होगी तो फिर YouTube चैनल का क्या होगा? गाइस लंबी लंबी वीडियोस देखना और क्या। मेरा मैं तो एक होगी, ये गेम भी इम्पोर्टेंट था पीछे, ये भी इम्पोर्टेंट था। लंबी लंबी वीडियोस देखना फिर गाइस, बट ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे को गुगल को। और कुछ तबीयत हो रहा है तो गले चोक कर दे मेरा। दोस्तों फिशी के लिए रूह अफजा वाला दूध बना दिया है, बट एक्चुअल दूध नहीं, ओट्स दूध डाल है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। ये लो माय डियर हस्बैंड। अगर आज ये डील होगी ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, रोजा के दूध में टिकट्स बुक करा देंगे फिर। किसकी टिकट? गौरव की। एक तो कुशागर धोनी ने ना चिच्चड़ छेड़ दिया है गौरव का। गाइस हम मारेंगे वो फ्रेंड्स ट्रिप। कितना तूने रोजा डाला है? ज्यादा हो गया। कितना डाल दिया बाबू? मैं तो इतना सही डाला था। इसको एक काम कर, डब्बियों में डाल, इसी कुल्फियां बना के बेच। फ्रीजर में डाल। सच्ची? बहुत नहीं ले, मैं देखती हूँ। पागल तेरी इंटेक कम होगी अब। बाबू तो खीर तो ना ही बनाते रह के, रोफसा के दूध में ये परफॉर्मेंस चल रही है ना, मेरे को नहीं खीर खानी तेरे हाथों की। मैं सच कह रहा हूँ, अभी सिर्फ रोफसा और दूध मिलाना था। इमेजिन करो जब ये खीर बनाने की सोचती होगी तो मेरे पे क्या बीतती होगी। कितना झूठ बोल रहा है, एक बार मैंने खीर बनाई थी, कितनी स्वाद थी, झूठ क्यों बोल रहा है? कौन सी? ये मैंगो खीर? नहीं मैंगो नहीं, एक पहले बनाई थी मैंने मैंगो वाली, तो मैं खुद बोलती हूँ गड़बड़ हो गई थी उसमें। एक बार पी के देख। मेरे को तो ऐसा गाने सुनने हैं बारिश के मौसम में। कैसा आज तो इतना अच्छा मौसम है ना, सच्ची कह रही हूँ। हमारा स्पीकर भी खराब हो गया, बताया ना आपको सुबह। वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस ऑफ जेबी यार, कुछ गिरा नहीं, कुछ टूटा नहीं, कुछ नथिंग हैपेंड। पानी जम चला गया था व्हेन वी टुक इट टू द लेक। बाबू दिस इज ओट्स मिल्क, यू आर यूज्ड टू विद रेगुलर मिल्क। बाबू या तो ड्रिंक इट या तो थ्रो इट और मेक कुल्फिया। और मेरे को चाय अलाउड है, चाय पीनी है। और गले में घंटियां बांध के टक टक बजा के गली गली भेज। अब क्या चाहिए तुझे? मैं कुछ नहीं, शांति चाहिए, पानी पी लूंगा मैं। ऐसा खाना बनाओ कि पति डर के हमारे बोले ही था कि भाई ये थी इसकी मास्टर स्ट्रोक। मैंने कल गाइस मैं दिखा नहीं पाई आपको, मैंने चिकपी वो बनाए थे मसाला। एक तो पहली बात, ऐसी मन गलत कहानियों पे भरोसा मत ही करो। नहीं बनाए थे मैंने चना मसाला गाइस, मुझे लग रहा है मेरे पति ने कुछ उसका ना रिव्यू बढ़िया नहीं दिया, चुपचाप करके खा गया और फिर बीच में थोड़ा सा छोड़ देता था। वहां से मेरे को पता चल रहा है कि फिर तुम लोग क्यों सुन रहे हो, मेरा पेट खराब चल रहा है। पके हुए थे उसमें माड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। तूने बातें करी थी ना उनके साथ ढंग से? ये नहीं करी थी, ये बता करी थी, तभी पक गए थे बाबू। चुंडी मारी इसे पेट में मेरे। तो किसी बेटे जोक मत मारा कर, पी इसको, इट वर्क्स एवरी टाइम। पी इसको। तो ये तूने चने से बात करी थी कि नहीं की थी? मैंने नहीं करी थी। तभी कच्चे थे नहीं तो। मेरा पेट की भी नसें चढ़ी हुई है दोस्तों। पिटारे में से निकलेगा कुछ अब, मैं अब बता दे, मेरे को बोलता है डब्बे फेंक दे। काम आया कि नहीं आया? फिर अब ये डब्बा ना होता फिर दिक्कत आती, फिर नहीं तुम कॉस्को में रिटर्न कर सकते। डब्बा चाहिए होता है? हाँ बाबू, बिना डब्बे के कौन
कौन लेगा? वहाँ हमारी पन्नियाँ भी पड़ी हुई है, सब कुछ चाहिए होता है। चल लेके आ। परफेक्टली पैक्ड। दोस्तों फटाफट पहुँच गए कॉस्को। कॉस्को बंद होने वाला है 14 मिनट में, तो होपफुली आज ही नया स्पीकर मिल जाएगा। बड़ा मन था मेरे को ऐसे पैटियो में बैठ के आज गाने सुनने का, बट स्पीकर ने जो धोखा दिया यार, मतलब मेरा एक JBL का स्पीकर है जो मेरे पास कुछ 5-6 सालों से है, वो आज तक ख़राब नहीं हो, इसको पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों सुपर सर्विस, कॉस्को ने वापस कर दिया स्पीकर, बेशक 10-11 महीने पहले लिया हुआ था। बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैंने लिया था 129 का, अभी $40 महंगा हो गया, तो क्या मुझे उनको रिप्लेसमेंट बोलनी चाहिए थी? ओहो, तो आज तो मैं इसको नहीं ले रहा, स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए, और दूसरे स्पीकर देखूँ हमें कि हम कौन से ले सकते हैं। यार ये भी अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा लाउड है, आई थिंक विदाउट स्पीकर ही घर जाएंगे आज। भाई साहब ये कर क्या रहे हैं भाई, हम वैसे लेते थे $6.50 का एवोकाडो, लास्ट हफ्ते आए थे 10 का था, 12 का कर दिया इन्होंने। यार इतने बढ़िया लोग हैं ये, इन्होंने 11 महीने पुरानी चीज़ रिफंड करी, ठीक है, जो ख़राब हो गई थी हमने यूज़ किया, फुल पैसे दे दिए। अब वो चीज़ $40 एक्सपेंसिव लगी हुई है, तो मैं इनके पास आया, मैंने कहा यार मैंने तो तुमसे 129 पे ली हुई थी, अब ये $40 महंगी है। कहते कोई बात नहीं, हम आपको एग्जैक्टली उस प्राइस पे दे देंगे, जबकि मैं अपना रिफंड भी ले चुका हूँ। सुपर कस्टमर सर्विस, वो तो मुझे रिटर्न करके दे रहे थे, ठीक है, नया वाला भी दे रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई, जो हमारे पास था वो था JBL का एसेंशियल 1, जो इनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है वो है JBL का एसेंशियल 2, तो ऑब्वियसली वो तो प्रोडक्ट ही अलग हो गया, तो इसलिए वो दे नहीं पाए, इसके तो थोड़े और पैसे ही लगेंगे। मैं कहा हाँ यार बात तो तुम बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हो, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो वापस रेडी हो गए थे मुझे देने के लिए, हैट्स ऑफ टू कॉस्को। मुझे लगता है भाई कुछ भी लो कॉस्को से ही लो, अगर आप आईफोन भी एप्पल से लेते हो ना तो वो मेरे ख्याल से 30 डेज की वो देते हैं रिटर्न, कॉस्को वाले भी स्टिल आके 90 डेज की देते हैं, मतलब कॉस्को वाले बहुत फाड़े हैं यार, ये मेंबरशिप फुल वर्थ इट है। तो अब आया हूँ मैं कैनेडियन टायर पे, टेस्ला का जो फर्स्ट वाइपर फ्लूड होता है उसको रिफिल कराने, वो ख़त्म हो गया, टेस्ला का उद्घाटन हो जाएगा। उत्तरी ऑलमोस्ट 4 लीटर का था, खाली हो गया, थोड़ा बहुत गिर भी गया आई। चलो भाई को लग रहा होगा मैं इतनी तैयार क्यों, मैं अपने चैनल के लिए फटाफट एक वीडियो बना रही हूं। तो सुनना सही होता छोड़, और फिर अभी मैं स्पीकर की रिसर्च करूंगा, फिर उसके बाद मैं गया कैनेडियन टायर, वो टेस्ला का काफी दिनों से वो नहीं आ रहा फ्लूइड कम है, वो लिया मैंने, और वहां पे एक सब्सक्राइबर मिली, तो मैं प्रीत मैं सॉरी कहना चाहता हूँ यार आपको, तो प्रीत आई, प्रीत थोड़ी शर्माते हुए आ रही थी, तो मैं ना श्योर नहीं था कि सब्सक्राइबर है या शी वर्किंग देयर, तो प्रीत के हाथ में एक बड़ा लंबा सा टैग सा था ग्रे कलर का, तो मुझे लगा एम्प्लॉई, तो मैंने प्रीत को बोल दिया, तो प्रीत आई मेरे पास हेलो गया उसे, तो मैं प्रीत को कैन यू सेंड समवेयर, कहते यार बट आई डोंट वर्क हियर, तो प्रीत आई एम सो सॉरी यार, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ढूंढा भी प्रीत कहाँ पे मैं बात करूँ ऐसे करके, बट प्रीत आप चले गए थे कहीं, तो प्रीत बता रही थी दैट शी वॉचेस अ व्लॉग एवरी डे, तो आप आई होप आप ये वाला वीडियो भी देखोगे, सो हेलो प्रीत एंड सो सॉरी अगेन। कॉस्को में उनसे बोला, उनकी छोटी डॉटर नहीं थी जो मैं फायरवर्क्स से मिले थे वहाँ पे कैनेडा डे पे, तो वो भी, तो मैंने उनको बोला मैं सॉरी मैं आपकी फेवरेट कुकू के बिना आया हूँ, कहती ना इट्स ओके, तो वो बहुत प्यारे थे, सो काफी सही रहा। बट हाँ कॉस्को की सर्विस, मतलब मैं कह रहा हूँ यार अगर इतना खुश रखो ना कि साला तुम्हारा कस्टमर ही तुम्हारा मेन मार्केटियर है, वो यार कौन ऐसे करता है, उन्होंने एक साल पुरानी चीज जो हमसे खराब हुई खुद खराब हुई मुझे नहीं पता, वो एक साल बाद उन्होंने वापस ले ली, उसके बाद कहते कि भाई हम प्राइस एडजस्ट कर देंगे, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए कॉस्को, बट डब्बा कभी मत फेंकना, अगर डब्बा नहीं है तो नहीं कॉस्को लेने वाला, फिर कॉस्को गए JBL पे जाओ। हाँ अच्छा मैं कॉस्को से ये भी पूछ के आया, मैं कि अगर मैं पहले ही रिप्लेसमेंट के लिए आपको बोलता तो कॉस्को कहते हैं हम रिप्लेसमेंट करते ही नहीं है, हम सिर्फ रिटर्न रिफंड करते हैं। मैं कहा ये भी बहुत बढ़िया भाई, इससे तो यार तुम किसी को पैसे वापस दे रहे हो, उससे तो भाई तुम क्या ही कर सकते हो, प्रोडक्ट ही चला गया, पता नहीं चला था पार्टी कर रहे थे, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं भी नहीं हंस रहा, वो वीडियो बनाने लगी है, तू यूट्यूब पे आ रही है गाइस किशु दीदी डांट रहे हैं फिशी को, क्लास लग रही है फिशी की, सिर्फ किशु दीदी ही डांट सकता है, लव यू दीदी लव यू फिशी, तूने मैं तूने कह दिया मैंने सुन लिया, ठीक है। और यहाँ देखो दोस्तों मैं बना रही हूँ साबूदाना की खीर,
फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं. फिशी ने पिछली बार डिमांड की थी ना कि कुकू साबूदाना की खीर बनाई हो, और इसकी रेसिपी मेरे को मेरी सासू माँ ने दी है. क्योंकि मैंने जब YouTube पे सर्च करा, माई गॉड इतना कंफ्यूजिंग था सारा, तो मैंने कहा मैं तो अपने अर्चू मम्मा जो कहेंगे वो सुनूंगी, क्योंकि दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड गाइस. घर की जो रेसिपीज होती है ना, दोज आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आपको अच्छी लगती हैं. सो आई रियली लाइक अर्चू मम्मा's रेसिपीज. आपको तो पता ही है कितना टेस्टी खाना बनाते हैं वो. पीछे फिशी को अभी भी लेक्चर मिल रहा है. दोस्तों ओए होए होए, क्या खीर बनी है मेरी. और ये देखो मैंने आलमंड्स भी रोस्ट करे हैं. दोस्तों खीर बन गई है. मेरे पतिदेव फर्स्ट आपको दूंगा ना मैं. नहीं तू खा. नहीं, इट्स फॉर यू. अच्छा मेरे लिए. गाइस तुमने देख लिया कैसे मेरी बहन डांटती है. ओए होए होए होए, गरम है ये, ठंडी करके खानी है भाई. गरम होएगी ध्यान से. गरम है फ्यांची. फिर टेस्टी है. साबूदाना खीर जैसा लग रहा है. और जब किशु मुझे डांटती है इतनी खुश होती है ये. साबूदाना की खीर तूने मांगा था ना पिछली बार. मुझे बहुत पसंद है, ठंडी करके खाऊंगा भी. तेरे लिए बनाई है मैंने. आई लव यू. आजकल गाइस कुकू बहुत ही प्यार कर रही है मुझे. जब इसकी तबीयत खराब होती है तो मेरे को इस पे प्यार ही आता है. सॉफ्टनेस है ना जेलीज एंड साबूदाने की, परफेक्ट हो गया. मजा आ रहा है. बहुत ही लाइट रखा है मैंने. बड़ा मजा आ रहा है. फुल फैट दूर से बनाइए गाइस. आप सारे भी साबूदाने की खीर बनाना अपने अपने घर पे, और फिर जेली को ना इसे मुंह में रखना, मतलब जीभ और अपर के उसके बीच में. अब और क्या चाहिए तुझे अगले हफ्ते. नहीं बस हो गया. नहीं बता दे. You like poha, I think. I love poha. Okay, I'll make poha one day. But I love poha. अगर उसके अंदर जैसे वो मूंगफली हो और आलू. आलू. But वो आलू ज़्यादा हो जाएगा. मेरे किसी भी डिजर्ट में ना इलायची मत डालना. अगली बार नहीं डालूंगी पक्का. पता चले. एटी गोलियां तीन इलायची की. Guys, ऐसे खा रही है खाना. इसका व्रत खत्म हो गया. गए रात के एक बज रहे हैं और मैंने अच्छू मम्मा से बात करी. वो कह रहे खाला कौन नहीं होता. डोंट वरी, अब क्यों से चढ़ गया. So, दोस्तों एडिटिंग के साथ ही आपको कर रहा हूँ मैं बाय बाय. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल के लिए सपोर्ट के लिए लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं.